नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस हिंदुस्तान मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, चाणक्य नीति के महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के महान अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के कई महत्वपूर्ण रास्ते बताए हैं। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा है कि हमें कभी भी जीवन में चार बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे और आपका घर परिवार सब टूटकर बिखर जाएगा। वो चार खास बातें ऐसी कौन सी हैं जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे? यदि आप उन बातों को किसी बाहरी इंसान को बता देते हैं तो आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन्हीं खास बातों के बारे में। लेकिन सबसे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नंबर एक है जिंदगी में अपमान। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें कभी अपने जीवन में हुए अपमान को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब हमारा मजाक बन जाता है। अगर आपका कभी भी जीवन में अपमान हुआ है तो उसे हमेशा गुप्त ही रखें। अगर आप उसे अन्य लोगों को बताओगे तो वह आपका मजाक ही बनाएंगे और आप पर हंसेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में कदर करते हैं। अधिकतर लोग तो एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं। इसीलिए अपने जीवन में हुई अपमानजनक घटनाओं को खुद के सिवा किसी और को नहीं बताना चाहिए। हमें अपने सुखद जीवन व अच्छाई को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, न कि अपने बुरे समय के अपमान को। और मित्रों, नंबर दो है परिवार की गुप्त बातें। अधिकतर घरों में इसलिए फूट नहीं पड़ती है कि उन्होंने आपस में झगड़ा किया हो, बल्कि हमेशा बाहर वाला ही घर में झगड़ा पैदा करता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने घर की बातें बाहरी लोगों को बताने लग जाते हैं तो हमारे घर की छोटी से छोटी बात बाहर वालों को पता लगने लग जाती है। वे हमारे घर के राज को जान जाते हैं, जिसका फायदा बाहरी लोग उठाते हैं और षड्यंत्र करके घर में क्लेश पैदा करते हैं। कभी भी घर की बात बाहरी लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए, विशेषकर किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के चरित्र की बातें कभी भी किसी इंसान से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी का सीधा संबंध पति के साथ होता है और पत्नी के अपमान का मतलब है पति का अपमान। इसलिए अगर पत्नी भले ही कैसी भी क्यों ना हो, उसकी बात समाज में करने से हमेशा बचें। इससे आप कई प्रॉब्लम्स से दूर रहेंगे। और दोस्तों, नंबर तीन है धन की हानि। जीवन में कई बार ऐसा मौका आ जाता है जब हमें पैसों की तंगहाली हो जाती है। हम अपनी धन दौलत से हाथ धो बैठते हैं। पैसों की कमी के कारण हमारा मोरल एकदम घट जाता है और हम खुद को कंगाल महसूस करने लगते हैं। ऐसे में कभी भी अपनी कंगाली हालत के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। अपने खोए हुए धन की अगर आप हर जगह चर्चा करोगे तो लोग आपका मजाक बनाने लग जाएंगे। आपकी मदद करना तो दूर की बात है, आजकल की दुनिया में ऐसे इंसान की कोई हेल्प नहीं करना चाहता जिसके पास धन दौलत नहीं होती है। जब भी आपके साथ ऐसे हालात हो जाएं तो खुद को मजबूत बनाएं और ऐसे हालात से निकलने की सोचें। धन की हानि हो जाने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। अपनी पावर और खुद पर भरोसा रखें। यह दुनिया बदलती रहती है, दुख सुख लगा रहता है, इसलिए अपना सम्मान करें और दूसरे लोगों को अपनी इन बातों को बताने से बचें। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था।